सोनीपत में कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के दो डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह दोनों की बात से सहमत नहीं हूं। वहीं बिग बॉस विनर एल्विश यादव को लेकर भी कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिजली से जुड़े कई कामों के बारे में भी बात की। सब काम चलते रहते हैं। मैं तो दोनों बात से एग्री नहीं करता, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात से, ना अभय सिंह की बात से, कि अगर चार चार डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर की क्या कीमत रहेगी। फिर उनका 10-10 वाइकमेंट दे देंगे, बाकी क्या कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेंगे, ये बात रेलेवेंट नहीं है। फिर देखिए, सब काम चलते रहते हैं, हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, हर बात नेगेटिव नहीं होती। 99 पॉजिटिव होता है तो एक आधा नेगेटिव भी होता है। तो देखिए, कई कुछ चीज़ें क्या हो रही है मुझे जानकारी में नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी दिल से सिंसियरली काम चाह रहे हैं कि स्टेट का अच्छे से अच्छा काम। हम 151 करोड़ रुपया हमारे सीएम साहब ने इस मामले में सैंक्शन कराया और हम सर्कुलर लेटर आ जाए तो अगले दिन में उसके बाद कार्रवाई शुरू कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सब ग्राउंड के ऊपर से तारे और पार्क स्कूलों के ऊपर से।